विकास के अंतर्गत सिलाई, मेहंदी, डांस, ब्यूटिशियन, योगा, ढोलक, फैशन डिजाइन आदि कलाकारों को 26वीं वाहिनी पीएसी सेनानायक शलभ माथुर ने प्रतिभागियों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और हम लोग एक सिविल सर्वेंट के रूप में चीजों को देखते हैं, तो तीन चीजें हमेशा एजुकेशन सिस्टम में नजर आती हैं। एक है हमारी नॉलेज, जिसे हम लोग ज्ञान कह सकते हैं। दूसरी है विजडम, जिसे आप बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। और तीसरी चीज है वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाए जिसके कारण जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए सरकार के ऊपर रोजगार के ऊपर निर्भर हो, आप स्वयं भी अपने रोजगार के साधन ढूंढ सके, आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। पुरस्कार वितरण के मौके पर हमारे सचिवन के संवाददाता से बात करते हुए सेनानायक पीएसी शलभ माथुर ने कहा, बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खास तौर से इसके अंदर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ताकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को किया है और इसके बाद सभी लोगों का अभिनंदन किया है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है और मैं संस्था को बधाई देता हूँ कि इसमें आगे और भी लोग जुड़ते हैं और अपना और इस तरीके सामाजिक साथ में जुड़ते हैं। अभी वक्त है छोटे स्प्रे का।